उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दो दलित बहनों के साथ जघन्य अपराध होता है। सवाल यह है कि ये जो अपराध करने वाले हैं सब, इनको इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? क्या इन्हें कानून का खौफ नहीं है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको सुन के ही गुस्सा और खून खौल उठता है। लेकिन हमारे देश के ऐसे कुछ लोग हैं जो इतना घटिया और इतना गिरा हुआ काम करते हैं और करते चले आ रहे हैं, इन्हें किसी का डर नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत फांसी होनी चाहिए, लेकिन शायद हमारा कानून इसमें विफल भी रहा है। तभी तो किसी को इस बारे में कोई डर ही नहीं है। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ना, पहले इनका नाम आप जान लीजिए, छोटू, जुनैद, सुहेल, आरिफ, करीमुद्दीन, हफीजुर रहमान। इन लोगों ने दो दलित बहनों के साथ खेत में ले जाकर रेप किया और बाद में इनको मारकर इनकी चुनरी से इनको एक पेड़ पे लटका दिया। इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? कुछ लोग इस पे चुप्पी साधे हैं, बड़े से बड़े लोगों का इस पे प्रतिक्रिया आई, सबने कहा जघन्य अपराध है। कहने से काम कब तक चलेगा? ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं? इससे पहले शाहरुख की घटना, एक लड़की को उसने जिंदा जलाने की कोशिश की, जला भी दिया। ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या इन्हें बिल्कुल भी कानून का डर नहीं है? ये तो जैसे लग रहा हो कि इन्हें एकदम किसी बात का डर ही ना हो। दोनों बहनों को ले गए खेत में, वहां पे रेप किया, गैंग रेप किया, बाद में इन छह लोगों ने मिलकर इसकी लाश को, उनकी लाशों को पेड़ पे टांग दिया। सुनने पे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गुस्सा सी लगती है, शायद आपको भी लग रही हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों के पास हिम्मत आ कहां से रही है? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमारे समाज में अक्सर दलितों के साथ ऐसा होता आया है। क्यों? इसका जवाब हमारे और आपके पास शायद है, क्योंकि हमें जिस तरीके से मानसिकता बना दी गई है पुरुष प्रधान देश में, एक घटिया मानसिकता, छेड़ने की, कमेंट करने की, इन सब को रोका जाना बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत आप अपने आप से, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको रोक के कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा शायद कर नहीं रहे हैं। बाकी कमेंट जरूर करिए इस बारे में। ऐसे लोगों को फांसी जल्द से जल्द होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई होनी चाहिए और फांसी तो इनको जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद।